जय द्वारकाधीश। आजनो आ जन्माष्टमी पर्वना आगळनो दिवस एटले के शीतला सातम आ द्वारका भूमि माटे बहु ज महत्वनो दिवस छे। भगवान कृष्णना जन्मोत्सवनो दिवस आगळनो दिवस एटले के लोको खूब हर्ष ने उल्लास साथे भगवान द्वारकाधीशनो जन्मोत्सव मनावा माटे अमारा गुगड़ी ब्राह्मण ज्ञाति समस्त द्वारा पण एक अनोखी तैयारी चाली रही है कि भगवान जन्मोत्सव खूब हर्ष ने उल्लास साथ मना। परंपरागत रीते जयरे द्वारका में लोग यजमा द्वारा ध्वजाजी आरोहण कर तरह द्वारका ब्राह्मणों ने भोजन मेटे निमंत्रण आप बदा भोजन ब्राह्मणों ने करे। हाँ, एक परंपरागत रीते लोग पोता श्रद्धा भावती करे छे। पण कोई समय में एवं हो जे समय में कोई यजमान न होवा छता कोई एवो प्रसंग आवे एवो कोई त्यौहार आवे त्यारे अमारो समग्र समाज एक एकताना रूप ने एने एकता ने बतावा माटे ए समग्र समाज पोताना फंडमांथी पोते एकठा करेला दरेक ब्राह्मणोए पोते एकठा करेला पैसामांथी एक भोजन की व्यवस्था करे छे जे बधा साथे लईने भोजन करे अने एमां सर्व एक बीजा ने मळे। आ एक एकतानो अमारो भाव छे कि बधा साथे रहीने बेसी अने साथे जमीए बधा। आवी ज रीते आजे शीतला सातमने दिवसे ज्यारे टाढू भोजन जमवानुं होय त्यारे अमारा तमाम गुगड़ी ब्राह्मणोना बहेनोए टाढू बनाव्युं। गई कालमां आगले दिवसे मतलब के बनावू पड़े एटले बधा बहेनोए भेगा थई अने ए दरेक वस्तुओ बनावी अने आजे एनो लाभ समग्र ज्ञातिए प्रसादना रूपे लीधो छे। बस अमे भगवान द्वारकाधीश ने प्रार्थना करीए के आवीने आवी एकता ने अखंडता अमारा समाज में बनी रहे अने प्रसंगोपात बधा साथे रहीने द्वारकाधीश भगवान की आराधना करीए। भगवान की कृपा दृष्टि सदाई ने माटे अमारा समाज पर बने एवी भगवान ना चरणों में प्रार्थना। द्वारकाधीश अवारनवार गुगड़ी ब्राह्मण ज्ञाति में आववानुं थाय छे जेम के समूह लग्न में वसंत पंचमी ने आववानुं थयुं हतुं अने आजे ठंडी सातम में ठंडू जमवा माटे पाछो मौको मळेल छे। ब्रह्मपुरी नी अंदर तो एक नहीं पण 15 वानगीओ बनावेल छे अने एकदम सरस रीते मने आटला वर्षोथी सातम उजवीए छे पण आजे एम थाय छे के द्वारका में आ गुगड़ी ज्ञातिना जे ठंडी सातम करवानी एकटाणू करवानी जे मजा आवी ए कंईक और ज छे। द्वारकाधीशनी असीम कृपा छे अने सर्व ज्ञाति जनो अने बधानो खूब खूब आभार छे प्रेम छे के बहु मजा आवी। अमारी एटले के द्वारकानी गुगड़ी 505 समस्त ज्ञाते अमे लोको मूळ द्वारकाना छे अहींयाथी घणी जग्याए વિસ્તરેલા પણ અમારી એક ખાસિયત છે કે અમારા કોઈ ભી પ્રસંગ અમારા કોઈ ભી જમણવાર તે અમે ઉલ્લાસે રંગે ચંગે અમે આનંદથી પટાવીએ છીએ। જેવી રીતે કે આજે ટાઢી સાતમ એટલે કે શીતળા સાતમ, શીતળા સાતમના અમારા 599 ઘર 699 ઘર જે છે એ કોઈ એક જ પોતપોતાને ઘરે રસોઈ નથી કરતા રાંધણ છઠને દિવસે, પણ સમૂહમાં અમારી બ્રહ્મપુરીમાં દરેક માટે દરેક પરિવારો માટે આ 15 જાતની આજની આઈટમ છે એ 15 એ 15 આઈટમ જ્ઞાતિ લેવલે બનેલી છે અને જ્ઞાતિ બંધુઓ સાથે બેસીને અહીંયા એનો પ્રસાદ આરોગ્ય છે। ટાઢી સાતમનું મહત્વ સમસ્ત ગુજરાતમાં તો છે જ, બીજું અમારા સમૂહ લગ્ન હોય અમારે બ્રહ્મભોજન હોય કોઈ જજા ચડાવે ને બ્રહ્મભોજન હોય એ પણ અમારી જ્ઞાતિ સદાય તત્પર અને સારી સુચારુ વ્યવસ્થા રૂપે આ જ્ઞાતિ અમારી આનંદ ઉલ્લાસ સાથે બધું આયોજન કરે છે। અમારે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર હોય તો પણ સાથે બધાએ એમ કે સાથે બેસીને ભોજન એક સાથે બેસીને ભોજનનો લાવો લે છે। અસ્તુ જય દ્વારકાધીશ।